Hi and welcome to lesson number 3 of section number 4. इस basically lesson में मैं बात करूँगा matrix organization की एक type की जो क्या है weak matrix. देखिए जो weak matrix है वो actually more towards functional organization है. जैसे मैंने आपको बताया कि functional organization में team का जो role है वो permanent अपने department में होता है और team का clear career path होता है. जो project manager है वो part time होता है. तो weak matrix में भी प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो पार्ट टाइम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसको हम एक्सपेडाइटर की बजाय कोऑर्डिनेटर कह देते हैं. और टीम का जो प्रोजेक्ट जो टीम है वो अभी भी पार्ट टाइम ही है, लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसको हमने बेचारे को प्रोजेक्ट मैनेजर कहा है वो जो है पार्ट टाइम तो है लेकिन उसको हमने थोड़ी सी अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग की रिसोर्स इंगेजमेंट की जो है वो प्रोवाइड कर दी है. तो वीक मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स है, वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को ऐसा कोऑर्डिनेटर के तौर पर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं. फ़ायदा ये होता है कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट कराना है या हमें फ़र्ज़ करें कोई मल्टीपल ऐसी असाइनमेंट है जिसमें मल्टीपल लोगों को इंगेज करना है तो ये हमारी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ हमें एक जो है वो थोड़ा एडवांटेज प्रोवाइड कर देता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो टीम को इंगेज कर लेता है. अक्सर मैं कंपनीज में जाता हूँ तो मैं एक ऐसी बात बोलता हूँ जिस पर शायद आप अभी नाराज़ हो जाएं मुझसे सुन के. मैं अक्सर कहता हूँ कि यार अगर आपकी कंपनी में खवातीन हैं तो किसी खातून को प्रोजेक्ट मैनेजर बनाते हैं तो उससे क्या होगा, लोग कम से कम उससे बात करने के लिए उसको जवाब दे देंगे. या अगर वो किसी के पास जाएगी कि जी मुझे ये इनपुट कल तक चाहिए, अगर वो काम नहीं भी करेगा इनपुट नहीं भी देगा कम से कम बता तो देगा कि मैंने किया नहीं है. और अगर आप देखिए इन वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रोजेक्ट मैनेजर डज नॉट मीन जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसकी सीनियरिटी ज़्यादा होगी, सैलरी ज़्यादा होगी. अक्सर जो है हमारे पास जो है वो ग्रोथ जो है वो बेसिकली हम कहते हैं कि जनाब वर्टिकली जा रही है कि जनाब आप जूनियर हैं फिर सीनियर हैं फिर उससे ज़्यादा सीनियर हैं फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं. हालांकि अगर आप अपनी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी देखें तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में भी अगर आप एक्सट्रीम लेवल पर टेक्निकल होते हैं तो यू कुड हैव अ गुड सैलरी एंड अ गुड लेवल, और वो लेवल और वो सैलरी जो है वो किसी प्रोजेक्ट मैनेजर से बहुत ज़्यादा हो सकती है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो वीक मैट्रिक्स में बेसिकली मुझे कोऑर्डिनेटर चाहिए, और वो कोऑर्डिनेटर ज़रूरी नहीं कि खातून ही हो, वो कोऑर्डिनेटर कोई भी ऐसी रिसोर्स हो सकती है जो इन्फ्लुएंस रखती हो. वो रिसोर्स वो हो सकती है जिसकी नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी हो. वो रिसोर्स वो हो सकती है जो बग़ैर अथॉरिटी के काम करवा सके. सो वीक मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट के प्रोजेक्ट मैनेजर इज स्टिल पार्ट टाइम बट हैज सम पावर, हैज सम डिसीजन मेकिंग स्किल्स सो दैट ही कैन और शी कैन गेट हिज वर्क डन. That's all about the weak matrix. Thank you.